और रुमाल को पहाड़ के दोनों तरफ से बांधो। यहाँ सांस लो, आराम से रिलैक्स हो जाओ, आराम से रिलैक्स रिलैक्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये मूवी एक सर्वाइवल मूवी है और मूवी एंड होते होते हमें बहुत सी चीज़ें सिखा कर जाती है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एना और उसके बेटे मैक्स से, जो कि थाईलैंड के एक आइलैंड पर घूमने के लिए आए हुए थे। और कुछ ही महीनों पहले एना के हस्बैंड निको की डेथ हो चुकी थी और अपने हस्बैंड की मौत के दुख से निकलने के लिए एना अपने बेटे मैक्स को लेकर इस आइलैंड पर घूमने के लिए आई थी। और इस ट्रिप के लिए एना के इन-लॉज ने ही उसे पैसे दिए थे। तो आखिर एना के हस्बैंड के साथ में क्या हुआ था, ये हमें आगे पता चलने वाला है। मैक्स इस प्लेस पर आकर बहुत ही खुश था। दोनों माँ बेटे के पास में दो वॉकी टॉकी भी थे जिससे वो एक दूसरे से कभी भी बात कर सकते थे। एना के ही साथ वहाँ पर कुछ लोग और भी घूमने के लिए आए थे जिनसे एना और मैक्स की दोस्ती हो जाती है। स्पेशली मैक्स लाना नाम की एक लड़की से अच्छी दोस्ती कर लेता है जो कि उसकी एज की थी। फिर सभी बोट से आइलैंड पर आते हैं और वहाँ पर पैराडाइज रिजोर्ट के मैनेजर फिलिप उन लोगों का वेलकम करता है और उन्हें रिजोर्ट तक लेकर जाता है। अपने रूम के अंदर जाने से पहले मैक्स बीच में खेलने लगता है और वहाँ के टर्टल्स को देखने लगता है। एना भी मैक्स के साथ में थोड़ी देर खेलती है और फिर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। अगले सीन में हम कुछ रॉबर्ट्स को देखते हैं जो कि उसी रिजोर्ट के लोगों को लूटने का प्लान बना रहे थे। उन रॉबर्ट्स के ग्रुप का लीडर था थिया और थिया का बेटा इस्माइली भी उनके साथ ही था। थिया अपने बेटे को एक गन देता है और उसको भी वो अपनी तरह एक रॉबर बनाना चाहता था। और कुछ ही देर के बाद में वे सभी मैप देखकर उसी रिजोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस आइलैंड से बाहर जाने के लिए रिजोर्ट वालों के पास में सिर्फ एक ही बोट थी और उस बोट को फिलिप ने खाने का सामान लेने के लिए सिटी भेज दिया था, जो कि अब 3 दिनों के बाद ही इस आइलैंड पर वापस आने वाली थी। रिजोर्ट के अंदर मैक्स स्विमिंग पूल में लाना के साथ में खेल रहा था और एना पूल के बाहर से ही हिल्डे के साथ में बैठी हुई थी और हिल्डे भी यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। कुछ देर के बाद में मैक्स एना के पास में आता है और वो उसे पानी के अंदर आने को कहता है, लेकिन एना किसी कारण से पानी के अंदर नहीं जाना चाहती थी। एना जब मैक्स का हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर निकलने को कहती है तो मैक्स एना को पानी के अंदर गिरा देता है, जिससे कि एना पैनिक कर रही थी क्योंकि उसे अपने पास्ट के कुछ विजन याद आ रहे थे और वो पानी के ऊपर नहीं आ पा रही थी। मैक्स की आवाज़ सुनकर वहाँ पर फिलिप आ जाता है और वो एना को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन एना फिलिप को खुद से दूर रहने को कहती है क्योंकि रिजोर्ट में कई सारी यंग लड़कियाँ फिलिप के साथ में फ्लर्ट कर रही थी और एना फिलिप को एक अच्छा आदमी नहीं मानती थी। मैक्स फिर एना से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने एना को पानी के अंदर गिराया और एना उसे जल्दी माफ़ कर देती है। अब रात को रिजोर्ट के सभी लोग डिनर कर रहे थे। लाना तब भी फिलिप से हेल्प मांगती है ताकि वो मैक्स को अपने साथ में बीच पर ले जाए। तब फिलिप लाना के साथ में मैक्स और एना से बात करने जाता है और मैक्स को बीच पर लाइटिंग बलून लगाने के लिए बुलाता है और मैक्स इसके लिए बहुत ही खुश था, लेकिन एना उसे डिनर खत्म करने के बारे में जाने को कहती है और मैक्स जहाँ भी जाएगा एना उसके साथ में रहने वाली थी। इस बात पर मैक्स एना से थोड़ा नाराज होता है और वो अकेले ही लाना के साथ बीच पर चला जाता है। मैक्स की बातों से एना को अपने हस्बैंड की यादें आ रही थी क्योंकि उनके लास्ट एनिवर्सरी पर एना के हस्बैंड ने उसे एक इयररिंग गिफ्ट किया था और उस इयररिंग को एना ने आज तक खुद से दूर नहीं किया था। अगेन सीन कट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग एना से पहले ही मैक्स उठ चुका था जो कि अपने फादर निको की फोटो देख रहा था। तभी उनके रूम तक लाना आती है जो कि मैक्स को बीच की तरफ खेलने के लिए ले जाती है। अब एना तो गहरी नींद में थी तो मैक्स एक वॉकी टॉकी खुद ले लेता है और एक वॉकी टॉकी एना के लिए रूम में छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम रिजोर्ट के एक एम्प्लॉय अबासी को देखते हैं जो कि रिजोर्ट के सभी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और फोन की लाइन को काट देता है, मतलब कि अबासी उन सभी रॉबर्ट्स के साथ में मिला हुआ था। इधर एना की जब आंखें खुलती है तो उसे मैक्स कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, उसे बस टेबल पर वही वॉकी टॉकी दिखाई देता है। एना समझ गई थी कि मैक्स बीच की तरफ गया होगा तो इसलिए वो बीच की तरफ निकल जाती है, लेकिन मैक्स एना से थोड़ा दूर बीच की दूसरी तरफ था और रिजोर्ट के बाकी लोगों के साथ एना एक तरफ अकेली थी। एना के पैरों पर अगर समंदर का पानी भी टच होता है तब वो उसे बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे पानी से डर लगता था। तो आखिर एना पानी से क्यों डरती थी, ये हमें आगे पता चलेगा। इधर लाना और मैक्स जब बीच पर खेल रहे थे तब वहाँ पर रॉबर्ट्स आ चुके थे। एना भी उन रॉबर की बोट को देख लेती है, लेकिन एना को समझ में नहीं आता है कि वो आखिर कौन है। फिर बीच पर आते ही थिया अपने रॉबर्ट से रिजोर्ट के लोगों को होस्टेज बनाने को कहता है और उसके रॉबर्ट्स वैसे ही करने लगते हैं। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे वे लोग उन्हें गोली मार रहे थे। मैक्स और लाना एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे तो रॉबर उन्हें नहीं देख पाते हैं और उनमें से कुछ रॉबर रिजोर्ट के अंदर बाकी लोगों को मारपीट कर उन्हें होस्टेज बना रहे थे।
फिर इसी मौके का फायदा उठाकर एना अपने रूम तक आ जाती है और मैक्स को आवाज लगाती है, लेकिन मैक्स रूम में नहीं आ रहा था और उसके फोन पर भी सिग्नल नहीं था जिससे कि एना पुलिस को बुला सके। तभी मैक्स वॉकी टॉकी पर एना से कॉन्टेक्ट करके उसे बताता है कि वो बीच के एक तरफ एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। मैक्स उसे कुछ और बता पाता, उससे पहले कुछ रॉबर्स मैक्स को पकड़ लेते हैं। तब एना एक बैग में उस वॉकी टॉकी को अपने साथ में ले लेती है और अचानक से एक रॉबर एना के रूम में आ चुका था, लेकिन सही समय पर एना छुप जाती है और वो उसे पकड़ नहीं पाता है और रॉबर के जाते ही एना बीच की तरफ भाग जाती है। बीच पर एक पेड़ के पीछे वो छुपकर रिजॉर्ट की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि रॉबर ने सभी लोगों को होस्टेज बनाकर रखा है और मैक्स को भी उन लोगों ने पकड़ लिया था। तभी वहां पर फिलिप आता है और एना को समझाता है कि उन्हें रॉबर की नजर से बचकर रहना होगा, तभी वे लोग पुलिस को बुला पाएंगे। फिलिप से एना को पता चलता है कि ये रॉबर्स वहां पर घूमने आए लोगों को किडनैप करके उनके पैसे लूट लेते हैं और हर बार की तरह इस बार भी रॉबर्स उन सभी लोगों को बोट से दूसरे आइलैंड पर ले जाकर उनसे पैसे निकलाकर सभी को जमीन के अंदर एक टनल में छुपाने वाले थे ताकि वे लोग वहीं पर सड़कर मारे जाएं। अगर रॉबर होस्टेजेस को आइलैंड से ले गए तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार होस्टेजेस कहाँ पर हैं। फिलिप की बात सुनकर एना रॉबर की बोट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचती है जिससे कि वे रॉबर होस्टेजेस को इस आइलैंड से कहीं और नहीं ले जा पाएंगे और उन्हें पुलिस बुलाने का भी टाइम मिल जाएगा। फिलिप एना को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एना फिलिप की कोई बात नहीं मानती है और तब फिलिप वहां से भाग जाता है और एना अकेले दो बोट के इंजन को खराब कर देती है और दो बोट में आग लगाकर वो वहां से भाग जाती है। लेकिन एना को बोट में आग लगाकर भागता हुआ एक रॉबर देख लेता है और थिया बोट पर लगी आग बुझाने के लिए और एना को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। रॉबर्स एना पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन लकीली एना बच जाती है और भागते भागते एना जंगल तक आ गई थी जहाँ पर उसे फिलिप मिलता है। दोनों को फिर वहां से भागना पड़ता है क्योंकि रॉबर्स उनके पीछे थे और दोनों जिस डायरेक्शन में भाग रहे थे वहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए रॉबर्स से बचने के लिए दोनों समंदर के पानी में जंप लगा देते हैं। एना तो पानी देखकर पैनिक करने लगती है, लेकिन लकीली उसके साथ में फिलिप था जो कि उसकी जान बचा लेता है। रॉबर्स को ऐसा लगा था कि दोनों पानी में डूबकर मारे गए होंगे और फिर दोनों रॉबर वहां से चले आते हैं और रॉबर को पता नहीं था कि एना और फिलिप पानी के पास ही एक गुफा के अंदर छुप गए हैं। पानी में गिरने की वजह से एना का वॉकी टॉकी भी काम नहीं कर रहा था और तब फिलिप उस वॉकी टॉकी को पानी से दूर सुखाने को कहता है। साथ ही फिलिप को भी अब यह समझ में आ जाता है कि रिजॉर्ट में पहले से ही रॉबर का कोई आदमी था जिसने फोन की लाइन को काट दिया होगा। यहाँ पर रॉबर्स सभी होस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाते हैं और छोटी छोटी बात पर वे सभी होस्टेजेस को मार पीट रहे थे। इधर थिया नई बोट मंगवाने के लिए रेडियो से कॉन्टेक्ट करने लगता है। मैक्स के पास में वॉकी टॉकी तो था, लेकिन वो रॉबर के सामने अपने वॉकी टॉकी को नहीं निकाल सकता था, तो इसलिए वो उनसे टॉयलेट जाने की परमिशन लेता है। तब एक रॉबर मैक्स को एक रूम में लेकर जाता है, लेकिन वो उसे टॉयलेट का डोर खुला रखने को कहता है। अंदर जाने के बाद में रॉबर मैक्स से थोड़ा दूर था तो इसीलिए उसकी नजरों से बचकर मैक्स अपनी माँ को कॉल लगाता है और एना का वॉकी टॉकी भी अब ठीक हो चुका था तो इसीलिए वो मैक्स की आवाज सुन पाती है। मैक्स उसे बताता है कि रॉबर बोट को ठीक करके उन्हें इस आइलैंड से दूर ले जाने वाले हैं। मैक्स उसे कुछ और बता पाता, उससे पहले वहां एक दूसरा रॉबर आ जाता है तो इसलिए मैक्स उस वॉकी टॉकी को एक टेडी बेयर के बैग में डालकर छुपा लेता है और उस बैग को अपने साथ में ले लेता है। एना को किसी भी तरह अपने बेटे को बचाना था तो इसलिए वो फिलिप से उस टावर के बारे में पूछती है जो कि रिजॉर्ट से कुछ ही दूर पर था। फिलिप उसे बताता है कि उस टावर में एक 70 साल पुराना रेडियो पड़ा हुआ है जिससे कि वे लोग हेल्प बुला सकते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो रेडियो अभी भी ठीक है या नहीं। लेकिन फिर भी एना अपने बेटे को बचाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी तो इसीलिए वो उस टावर तक जाने का मन बना लेती है। यहाँ पर मैक्स जब उस टेडी बेयर को अपने साथ में लेता है तो थिया का बेटा स्माइली उससे वो टेडी बेयर छीन लेता है और तब बाकी के रॉबर स्माइली को मैक्स के जैसा बच्चा बोलकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और तब एक रॉबर स्माइली से वो टेडी बेयर लेकर एक रूम में सोने चला जाता है और अब मैक्स के पास में उसका वॉकी टॉकी भी नहीं था। दूसरी तरफ फिलिप टावर की तरफ जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहां पर रॉबर्स हो सकते थे, तो इसलिए एना अकेले ही उस टावर की तरफ जाने लगती है। इधर रिसोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि रॉबर्स खाना खा रहे थे और म्यूजिक चलाकर पार्टी कर रहे थे। होस्टेजेस को उन लोगों ने सिर्फ पीने का पानी दिया था और उन सभी ने कुछ नहीं खाया था। वहीं पर रिसोर्ट का एक गेस्ट स्टीफन थिया के साथ में फ्रेंडशिप बनाकर उसे 6 महीने पुरानी एक्सपायर्ड हो चुकी अल्कोहल पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थिया को ये बात पहले से पता थी तो इसलिए वो स्टीफन को मार पीट कर उसे ही वो अल्कोहल पिला देता है। हम देखते हैं कि एना टॉवर को ढूंढते ढूंढते एक क्लिफ तक आ चुकी थी जहाँ से वो गलती से नीचे गिर जाती है, लेकिन लकीली वो क्लिफ ज़्यादा ऊंचा नहीं था तो इसलिए उसे ज़्यादा चोटें नहीं आती है और फिर से कोशिश करके उस क्लिफ के ऊपर चली जाती है।
इस तरफ एक रोबर थिया को आकर बताता है कि फिलिप और एना पानी में गिरकर मारे जा चुके हैं और अगर जिंदा भी होंगे तो उनका एक साथी उन्हें पकड़कर रिजॉर्ट में लेकर आएगा। मतलब कि एक रोबर अभी भी जंगल में था जहाँ पर एना और फिलिप भी थे। मैक्स को अब यहाँ पर अपनी माँ के बारे में सुनकर बहुत टेंशन होने लगी थी। तब हिल्डे उसे समझाती है कि फिलिप एक स्विमिंग ट्रेनर है तो फिलिप कभी भी पानी में डूबकर नहीं मर सकता है और उसने एना को भी बचा लिया होगा। दूसरी तरफ एना जब जंगल में थी तो उसे एक वॉकी टॉकी दिखाई देता है जो कि उसे रोबर का था। एना जब उसे उठाने जाती है तो उसके सामने रोबर आ जाता है। रोबर के पास में गन भी थी तो एना उसे लड़ नहीं सकती थी, तो इसलिए एना सरेंडर करके रोबर के कहने पर अपनी आंखों पर पट्टियां बांध लेती है। रॉबर्ट एना के साथ में कुछ गलत कर पाता, उससे पहले वहां पर फिलिप आकर रॉबर्ट को मारकर जख्मी कर देता है और एना को लेकर वहां से भागता है। इतना खतरा उठाने के बाद एना अभी भी उस टावर तक जाना चाहती थी और फिलिप उसे समझाता है कि उस रेडियो की रेंज सिर्फ 3 किलोमीटर की है तो 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज कौन सुन पाएगा। लेकिन फिर भी एना फिलिप की कोई बात नहीं सुनती है और वहां पर जाने की जिद पर अड़ी रहती है और तब हार मानकर फिलिप एना की मदद करने के लिए राजी होता है। यहाँ पर उस जख्मी रॉबर थिया को इन्फॉर्म करता है कि एना और फिलिप अभी भी जिंदा है। तब थिया अपने बेटे इस्माइली और कुछ रॉबर को भेजता है उन दोनों को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ एना और फिलिप एक गुफा तक आ चुके थे और उसी गुफा से होते हुए उन्हें दूसरी तरफ के जंगल तक जाना था जहाँ पर वो टावर है। उस गुफा में बहुत ही अंधेरा था और वहाँ पर बहुत से चमगादड़ भी थे, तो गलती से एना से कुछ आवाज हो जाती है जिससे कि सारे चमगादड़ उड़ने लगते हैं और एना को चमगादड़ के हमले से बहुत चोटें भी आती है। तब तक गुफा के बाहर रॉबर्स भी आ चुके थे और चमगादड़ को गुफा से बाहर जाते हुए देखकर वो समझ जाते हैं कि गुफा के अंदर एना और फिलिप हैं, तो इसीलिए वे लोग उन्हें पकड़ने के लिए गुफा के अंदर जाते हैं। एक तरफ एना और फिलिप गुफा के छोटे से हिस्से से रेंगते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे और एना फिलिप के आगे थी। फिलिप को रास्ते के बारे में पूरा पता नहीं था कि वो रास्ता कहाँ जाता है और उसने तो बस उस रास्ते के बारे में सुना था। तभी फिलिप को पता चलता है कि उसके पीछे एक रॉबर उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो इसलिए फिलिप जल्दी से एना को उस टावर तक जाने का रास्ता बता देता है और उसे जल्दी जल्दी बाहर निकलने को कहता है। फिलिप को रॉबर ने पकड़ लिया था लेकिन वो एना को पकड़ पाते हैं उससे पहले एना गुफा से बाहर निकल चुकी थी। अगले सीन में थिया सभी होस्टेजेस का नाम पता लगा रहा था ताकि एना और फिलिप के फैमिली मेंबर का पता लगाया जा सके और अगर रॉबर्ट्स को पता चलता कि मैक्स एना का ही बेटा है तो वे लोग मैक्स को जान से मार सकते थे या फिर मैक्स के जरिए वो एना को बुलाकर उसे भी मार देते हैं। तो इसलिए हिल्डे मैक्स की माँ होने का नाटक करती है, लेकिन हिल्डे को एना का पूरा नाम नहीं पता था। तब मैक्स अपना पूरा नाम बताकर हिल्डे को पकड़े जाने से बचा लेता है। मैक्स का पूरा नाम बताते ही हिल्डे एना का भी पूरा नाम बता पाती है और रॉबर को उन पर शक नहीं होता है। दूसरी तरफ गुफा से बाहर आने के बाद एना के अंदर खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन तभी वो अपने हस्बैंड निको को याद करती है जिससे कि उसे हिम्मत मिलती है और वो फिर से उठकर टॉवर को ढूंढने लगती है। वो टॉवर भी अब एना से ज्यादा दूर नहीं था। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो टॉवर तक पहुंच जाती है, लेकिन टॉवर की स्टेयर बहुत ही ज्यादा कमजोर थी क्योंकि वो टॉवर बहुत ही पुराना था और अगर एना से कोई भी गलती होती तो नीचे गिर सकती थी। लेकिन फिर भी एना किसी तरीके से टॉवर के सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाती है, लेकिन ऊपर आते आते फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए नीचे की कुछ स्टेयर्स टूट चुकी थी, तो इसलिए एना को बहुत ही मुश्किल से लटक कर ऊपर के फर्स्ट फ्लोर तक जाना पड़ता है। फिर ऊपर पहुंचने के बाद एना किसी तरह उस रेडियो को ऑन करती है, लेकिन हेल्प बुलाने के लिए उसे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। इधर दूसरी तरफ रॉबर्ट्स फिलिप को पकड़कर रिजॉर्ट तक लेकर आ गए थे और वहां आने के बाद में फिलिप मैक्स को बताता है कि एना टावर तक पहुंच चुकी है, लेकिन मैक्स को एना तक एक रेडियो का कोड भेजना होगा तभी एना वहां से हेल्प बुला पाएगी। तो इसलिए फिलिप रॉबर्ट के पास जाकर उनका ध्यान भटकाता है और तब मैक्स उस रूम से निकलकर उसी रूम में जाता है जहां पर एक रॉबर्ट सो रहा था और उसी के पास में मैक्स का वॉकी टॉकी था। मैक्स वहां से वॉकी टॉकी उठा लेता है और इस बात का रॉबर्ट को पता भी नहीं चलता है। फिर बाथरूम में जाकर मैक्स एना को कॉल लगाता है और उसे रेडियो का कोड 4125 के बारे में बता देता है। मैक्स के मुताबिक एना उसी कोड रेडियो में फीड करती है और उसके रेडियो का कनेक्शन पुलिस स्टेशन में लग जाता है और तब एना पुलिस से वहां पर हेल्प लाने को कहती है और उन्हें उन रॉबर्ट के बारे में भी बताती है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि रेडियो का एक क्रॉस कनेक्शन उन रॉबर्ट्स के रेडियो में भी आ चुका था जिससे कि वे लोग एना की सारी बातें सुन पाते हैं और उन्हें ये भी पता चल गया था कि एना पासी के टावर में मौजूद है। इधर दूसरी तरफ रॉबर्ट ने एना को पकड़ लिया था और खुद को बचाने के लिए एना रॉबर्ट के साथ में उसी टावर से नीचे जंप लगा देती है। एना रॉबर्ट के ऊपर थी तो उसे कोई चोट नहीं आती है, लेकिन रॉबर्ट बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो एना से अपनी हेल्प करने को कहता है। एना एक अच्छी लेडी थी तो इसीलिए वो उस रॉबर की हेल्प करने में लग जाती है। तभी वहां पर थिया का बेटा इस्माइली आता है जिसने एना के ऊपर गन को पॉइंट किया हुआ था। इस्माइली था तो मैक्स के जैसा ही एक बच्चा
तो इसलिए एना स्माइली को अपनी बातों में बड़ी आसानी से फंसा लेती है और वो उससे गन छीनकर उसे रॉबर्ट की कार में अपने साथ में ले जाती है। थिया भी अपने दो साथियों के साथ में एना को ढूंढने के लिए निकल गया था और एना भी एक जगह पर छुपकर उन्हें टॉवर की तरफ जाते हुए देख रही थी। कुछ ही देर में थिया को जख्मी रॉबर्ट मिलता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि स्माइली को एना अपने साथ में लेकर गई है। वो जख्मी रॉबर्ट थिया से हेल्प मांग रहा था, लेकिन थिया गुस्से में उस रॉबर्ट पर गोली चलाकर उसे जान से मार देता है। इधर एना स्माइली को लेकर बीच के पास में आ गई थी और एना स्माइली को अपने पास होस्टेज बनाकर रखने वाली थी और उसे तभी छोड़ेगी जब उसे उसका बेटा मैक्स मिलेगा। एना नोटिस करती है कि स्माइली बार बार उसी लॉकेट को देख रहा था और वो लॉकेट उसे पसंद था। तब एना उसे उस लॉकेट की रियल स्टोरी बताती है। एना के हस्बैंड निको ने उसके ऊपर कई बार चीट किया था, लेकिन आखिरी में जाकर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट पे अपनी एनिवर्सरी मनाने जाते हैं और वापस आते समय एना कार चला रही थी क्योंकि निको को कार चलाना नहीं आती थी। तभी एना को कार में एक इयररिंग मिलती है और उसे लगता है कि निको फिर से उसी पर चीट कर रहा है। निको उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने उसे चीट नहीं किया है और वो इयररिंग किसका है उसे कुछ नहीं पता। एना फिर भी निको की कोई बात नहीं सुनती है और उस कार से निकलकर पैदल ही जाने लगती है। तब निको खुद ही कार चलाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में निको की कार ब्रिज से नीचे नदी में गिर जाती है। एना निको को बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती है और उसकी आंखों के सामने ही निको मारा जाता है। निको की मौत के बाद में एना को ये पता चलता है कि वो कोई इयररिंग नहीं थी बल्कि वो मैक्स के बेल्ट का एक स्टोन था, मतलब कि निको ने उस पर चीट नहीं किया था। सिर्फ एना के गुस्से की वजह से निको की मौत हो गई थी और अपनी गलती को याद रखने के लिए एना उस स्टोन को लॉकेट की तरह हमेशा पहन कर रखती थी। और उसी इंसिडेंट के बाद में एना पानी से भी बहुत डरने लगी थी। दूसरी तरफ मैक्स फिर से एना को वॉकी टॉकी से कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन कुछ बता पाता उससे पहले एक रॉबर मैक्स को वॉकी टॉकी से बात करते हुए पकड़ लेता है और तब तक पुलिस एक बोट लेकर बीच की तरफ आ चुकी थी। लेकिन रॉबर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी और पुलिस सिर्फ चार थी, तो इसलिए एना को टेंशन होती है। ऊपर से रॉबर का साथी अब्बासी पुलिस को ये कहता है कि उनके रिजॉर्ट में कोई रॉबर नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस रिजॉर्ट तक जाती है और तब थिया के कहने पर रॉबर्स दो होस्टेजेस को अपने गन पॉइंट पर लेकर पुलिस के सामने उनसे ये बुलवाते हैं कि रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक है और यहाँ पर कोई रॉबर अटैक नहीं हुआ है। पुलिस को अभी भी शक हो रहा था, तो इसलिए पुलिस रिजॉर्ट के अंदर जाने लगती है और पुलिस को एक रॉबर दिख भी जाता है जिस पर वो गोले चलाते हैं और इसी चक्कर में पुलिस और रॉबर के बीच में फायरिंग होने लगती है और तब सभी पुलिस मारे जाते हैं। लेकिन बोर्ड पर अभी भी एक पुलिस ऑफिसर मौजूद था जिसने बैकअप बुला लिया था, लेकिन अचानक उसे भी एक रॉबर गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। अब पुलिस की बोट को देखकर सभी रॉबर थिया के ऑर्डर पर सभी होस्टेजेस को बोट की तरफ लेकर जाने लगते हैं और उसी समय एना स्माइली को लेकर थिया के सामने आती है और उससे स्माइली के बदले में अपने बेटे मैक्स और सभी लोगों को वापस मांगती है। लेकिन थिया को बस पैसे से मतलब था, तो इसलिए वो एना से कहता है कि वो अगर चाहे तो स्माइली को जान से मार सकती है, उसे स्माइली की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एना स्माइली को नहीं मार पाती है और अपने गन को नीचे फेंक देती है और यही थिया की चाल थी। उसे पता था कि एक माँ होकर एना किसी बच्चे की जान नहीं ले सकती है। फिर इसके बाद थिया एना को भी होस्टेज बना लेता है और रॉबर पुलिस की बोट के पीछे अपनी बोट को रस्सी से बांध कर ले जा रहे थे। तभी फिलिप मैक्स को एक इशारा करता है जिसे मैक्स समझ जाता है। फिलिप एक रॉबर का ध्यान भटकाता है और तभी मैक्स बोट पर पड़े एक चाकू से उस रस्सी को काट देता है, जिससे कि उनकी बोट बाकी रॉबर की बोट से दूर हो जाती है और गुस्से में वो रॉबर मैक्स को पानी में फेंक देता है। मैक्स को बचाने के लिए एना अपने पानी के डर के बावजूद समंदर में जंप लगाकर मैक्स को बचा लेती है। तब तक पुलिस भी उनकी बोट तक आ चुकी थी और पुलिस कुछ रॉबर को पकड़कर उन सभी होस्टेजेस को बचा लेती है, लेकिन थिया और उसके कुछ साथियों को वो नहीं पकड़ पाते हैं। अब सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया था और सभी लोग सही सलामत थे। वे लोग अपने अपने कंट्री जा रहे थे और सभी लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार मिलने का डिसाइड करते हैं। एना भी वापस अपने कंट्री जाने से पहले मैक्स के साथ में समंदर में तैरने के लिए जाती है, क्योंकि उसने अपने बेटे मैक्स से ये प्रॉमिस किया था कि वो इस ट्रिप के दौरान उसके साथ में समंदर में स्विमिंग करने जाएगी। साथ ही एना ने अपने लॉकेट को भी पानी में फेंक दिया था, मतलब कि अब वो अपने हस्बैंड की मौत के लिए खुद को गिल्टी नहीं मान रही थी और वो अपने डिप्रेशन से भी बाहर आ चुकी थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कोई हॉरर या फिर थ्रिलर मूवी नहीं है, लेकिन ये मूवी एक बहुत ही सीरियस चीज को पॉइंट करती है, जो कि डिप्रेशन। जैसा कि हमने देखा कि एना के गुस्से की वजह से उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी, वो तभी से वो डिप्रेशन में थी और वो अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इस रिजॉर्ट पर छुट्टियां मनाने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपने डिप्रेशन के चलते
वो चीट करने वाले लोगों से नफरत करने लगी थी। उसे पानी से भी डर लगने लगा था और वो हमेशा अपने पास्ट में जीती थी, साथ ही वो खुद को गिल्ट भी मान रही थी। ठीक यही होता है डिप्रेशन में रहने वाले लोगों के साथ में। वे लोग डिप्रेशन में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि वो खुद की खुशी तो भूल ही जाते हैं, साथ ही उन्हें अपनी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती है। आजकल की दुनिया इतनी ज़्यादा बिजी और स्ट्रेस में रहती है कि हर किसी को एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। कुछ लोगों के ऊपर डिप्रेशन इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि वे लोग अपनी जान ले लेते हैं। और इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे कंडीशन कैसी भी हो, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।